जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के शमशेरगंज में सत्ता की हनक में जमीनी विवाद में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग में दो महिलाओं एक बच्चे सहित पांच लोगों की गोली लग गई। सभी घायलों को सैफई व जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। शमशेरगंज में विद्याराम बाथम व भाजपा जिला मंत्री ओम जी दुबे के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। शनिवार को क्षेत्रीय लेखपाल रेणुबाला व पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन की नापतौल हुई। राजस्व कर्मियों व पुलिस के जाने के बाद विद्याराम बाथम के परिजन घूरे को इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक भाजपा जिला मंत्री के भाई अंकित, श्री ओम, कुक्कू, छन्नू, मोहन आदि ने अचानक लाइसेंसी व नाजायज असलाह से हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में भगदड़ मच गई। फायरिंग से 36 वर्षीय राकेश बाथम, 60 वर्षीय उर्मिला देवी, 26 वर्षीय विनीता बाथम, 35 वर्षीय सोनपाल बाथम व वहां से गुजर रहे 14 वर्षीय रेहान के भी गोली लग गई। सूचना पर एम्बुलेंस से सभी घायलों को सीएससी पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। घटना की सूचना पर एसडीएम रामनारायण, थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, एसएसआई जैकब फर्नांडिस भारी पुलिस बल के साथ सीएससी पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के बारे में घायलों से बात की। पीड़ित विद्याराम बाथम ने थाने पर पांचों आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी है। अब पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम आपका? राकेश। राकेश किस गाँव रहने वाले हैं? क्या मामला उनको पिंडे कपाल लगाई नपी गई जगह एक तार लगी न्यास को दी उन्होंने कही अपने घूरे भरो हम नहीं अपनी जेबी सी लगवा 200 रुपया ट्रॉल 300 रुपया ट्रैक्टर भा लेकिन 200 रुपया भाड़ा हमने दीपे को तैयार हुई एक ट्रॉली डालने गई भर गए दो सारी भरी जा रही भरने जा रही और तौला एकदम खड़े बोल लगी चला चल चला चल हम और पहुँचे नहीं जगह श्रीओम श्रीओम अत रविंद्र गुलाम आतो मोनू कितने लोग गोली लगी है? पाँच छः आदमी ने गोली लगी। पाँच लोग बोलो कितने थे गोली चलाने वाले? ये चार आदमी दो तमंचा आते प्राइवेट दो राइफल आती। क्या नाम आपका? सोनपाल। किसके रहने वाले हैं आप? शमशेरगंज। अच्छा ये क्या मामला क्या मामला है साहब? घूरो भर रहे तुमने कही अपनी जगह न पवाई ले इनने तो कही घूरो भर ले बो तो हम लोग अपनी टिकट विकट ले आई भरने लगे तो उन्होंने पैर चलाए दी तो इतने लाइसेंसी और दो इतने वैसे नोकल वाली तो पैर जड़ा जड़ करके रही हम तो साहब टिकट पर तो उतर ही नहीं पाई उतारो को तब तो उतर पाए है गई पूरे पाँव हम भींजी हो सब फुल हुई तो एकदम हरी और देखो देखो ओम जी दुबे के भैया आए गए श्री ओम और अंकित और कुक्कू दुबे को लड़का मोना और रविंद्र बाबा के लड़का छन्नू जितने सब लोग बते इनने सबने फायर करी। कितने लोग गोली चली है लगी है आ? कितने लोगों को गोली लगी है? गोली लगी साहब पाँच छः लोगों ने लगी है गोली। ये लोग कितने थे? बेहते आठ नौ जने हते वे साहब भाजपा के नेता आए जी तुम्हें साहब। क्या नाम आपका? मेरे पहचे लाल। किस गांव रहने वाले हैं आप? क्या मामला है ये कजूनाई वो जगह आती है उन्होंने नपवाई हमारे घूरे भरे थे अपने घूरे भरने लगे जी हाँ इतने ही पहले अपनी फैर कर दी साहब कजूनाई फायर किसने की? फायर करी उन्हें श्री ओम ने अंकित जी। कितने लोगों को लगी है? लगी पांच लोगों। आप लोग भी कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं आप लोग? आप शमशेरगंज रहने वाले हैं साहब। नहीं आप लोग अभी कहाँ पे हैं? अभी तो कहीं नहीं है साहब। जेबी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर लाल चश्मा घर के सामने बुतेश्वर रोड मथुरा।